नमस्कार, स्वागत है हमारी रेसिपी पे। आज हम बनाएंगे मसालेदार अंडे। तो उसके लिए देखिए, मैंने 6 अंडे लिए हैं और एक फ्राई बिन लिया। उसमें मैंने इतना पानी डाला है जो अंडे डूब जाए। अभी हम ऊपर से थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट डालेंगे तो अंडे बहुत जल्दी उबल जाते। तो अभी हम इसको गैस ऑन करके उबलने के लिए रख देंगे पहले अंडे को। देखिए, गैस को मैंने ऑन किया है और इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। इसको लगा देंगे ढक्कन। 4-5 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करेंगे। उसके बाद हम गैस को बंद करेंगे। अभी उबलने देते हैं अंडे को। देखिए, 5 मिनट हो गए, अंडे हमारे उबल गए। गैस को मैंने बंद कर दिया है। अभी हम इसका ढक्कन खोलेंगे। ये देखिए, एक बिल्कुल रेडी हो गए हमारे। और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं इसको। मैं थोड़ा सा इसको ठंडे होने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद हम इसको छील लेंगे। 10 मिनट हो गए, अंडे हमारे बिल्कुल ठंडे हो गए। ये देखिए, अभी हम इनको छील लेते हैं। छीलने के लिए थोड़ा सा ऐसे करेंगे और हम इनको इजी से हम ऐसे छील सकते हैं। ये देखिए, इस तरह हम सारे अंडे को छील सकते हैं। ये देखिए, जब अंडे ठंडे हो जाते और अच्छे से पक जाते तो छीलने में बिल्कुल ही इजी तरीक़ा से हम छील सकते। ये देखिए, इस तरह आप मैं सारे अंडे को छील लेती हूँ। देखिए, सारे मैंने अंडे इस तरह छीले हैं। और हम अब क्या करेंगे, इसको एक अंडे को 2 टुकड़े में काटेंगे। इस तरह सारे अंडे में इसी तरह काटूंगी। एक नाइफ ले ले, उसके सहारे आप इस तरह काट सकते हैं। देखिए, देखिए सारे एग जो है मैंने काट के इस तरह रेडी किया है। अभी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसन लेके ना ऊपर से ऐसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा बेसन थोड़ा सा डालेंगे ताकि क्रिस्पी और देखने में भी अच्छे लगे और ये टूटे भी नहीं। इस तरह थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैंने डाला है। अभी हम डालेंगे ऊपर से इसमें नमक। नमक आपने स्वाद अनुसार डालें, जितना खाना है। थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे धनिया और गरम मसाला पाउडर। अभी हम एक एक करके इसको टर्न कर लेते हैं। कभी भी आप टर्न करेंगे ऐसा वाला कर्च लेना ताकि इजी से आपको टर्न हो जाएगी। इस तरह टर्न करेंगे। देखिए, सारे को हम इसी तरह टर्न करेंगे और दूसरी तरफ भी हम अच्छे से पकाएंगे इनको। देखिए, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। कोई मेहमान आए उनके आगे भी आप रख सकते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा इस तरह बनाते हैं तो। और अभी हम इधर से भी थोड़ा अच्छे से पकने देंगे। एक बिल्कुल रेडी हो गए। मैंने जो गैस है उसको बंद कर दिया। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा चाट मसाला। देखिए, हमारे जो अंडे हैं बिल्कुल रेडी हो गए और देखने में देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी हम खा सकते हैं, इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे, ऊपर से धनिया डाल के हम इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो एग है खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए और ऊपर से मैंने हरा धनिया डाला है और ऊपर से मैंने निकालने के बाद चाट मसाला डाला है। अगर आपको चाट मसाला पसंद नहीं है तो ना भी डाल सकते हैं, नहीं तो चाट मसाला डालेंगे तो और टेस्टी हो जाता है। तो इस तरह ज़रूर आप बनाएं और मेरे रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।